कोविड महामारी से लड़ाई में जहां एक और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक नहीं दो दो वैक्सीनेशन का निर्माण भारत में किया, वहीं पर करोड़ों भारतीयों को मुफ्त में वैक्सीन लगाने के लिए भी मुफ्त में वैक्सीन भी उपलब्ध करवाई और 75 करोड़ वैक्सीन लगना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, जिसके लिए मैं जनता का आभार प्रकट करता हूं, कोविड वॉरियर्स का आभार प्रकट करता हूं, राज्य की सरकारों का और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने मुफ्त में एक और वैक्सीन उपलब्ध कराई। तो लोगों ने आगे बढ़ चढ़कर इस वैक्सीनेशन अभियान में भाग लिया है। कोरोना से लड़ाई में वैक्सीन का एक बहुत बड़ा रोल रहा है और इसमें लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। एक एक दिन में भारत में 1 करोड़ 30 लाख टीके, 1 करोड़ 20 लाख टीके इस तरह से भी लगे, ये अपने आप में बड़ी बात है। दुनिया के देशों के मुकाबले भारत बहुत आगे निकला है टीकाकरण की मुहिम में, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर, आज से तकरीबन 2-2.5 महीने रखा था कि जो भी लोग योग्य हैं वैक्सीन लगवाने के उनको दिसंबर तक वैक्सीन की डोज मिल जाए, उस पर बड़े सवाल भी उठे थे, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि ये ड्राइव अपना मुकाम पूरा कर लेगा? देखिए, जब वैक्सीन बनाने की बात आई तो कुछ राजनीतिज्ञों ने ये कहा कि क्या भारत वैक्सीन का निर्माण करेगा, उनको पहले तो विश्वास ही नहीं होता था। जब भारत में बनी वैक्सीन पर उन्हें प्रश्न चिन्ह खड़े करने शुरू कर दिए, फिर अफवाहें फैलानी शुरू कर दी, वैक्सीन लगाओगे तो ये होगा वो होगा। अब कल्पना कीजिए, एक तो देश की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में जहां हमारे वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाने का काम किया, हमारे कोविड वॉरियर्स ने उसको जन जन तक पहुंचाने का और लगाने का काम किया, एक और हम जनता को मुफ्त में वैक्सीन लगा रहे थे, दूसरी तरफ लोग अफवाहें उड़ा रहे थे। इस महामारी के समय भी कुछ लोगों ने राजनीति करने का प्रयास किया, लेकिन खुशी इस बात की है कि लोग जनता समझकर आगे आई, वैक्सीन लगवाई। आजादी के 75 वर्ष भी हम मना रहे हैं, अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं और दूसरी तरफ 75 करोड़ वैक्सीनेशन लगाकर कोरोना से मुक्ति भी पा रहे हैं। तो आजादी कोरोना से भी लेनी है तो वैक्सीन जरूर लगवाएं। इस क्रूशियल समय में बहुत सारे स्टेट ऐसे रहे जहां पर कि 100% टीका हुआ, वेस्टेज कम हुआ वैक्सीनेशन का, वैक्सीन जो गई, क्या कहना है सर इस बारे में? खुद आपका गृह राज्य हिमाचल, बिल्कुल हिमाचल प्रदेश हो, गोवा हो, केंद्र शासित राज्य हो, मैं यही कहना चाहता हूं कि वहां पर 100% टीकाकरण करना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है और बाकी राज्यों को भी यह टारगेट लेकर चलना चाहिए कि 100% टीकाकरण करें, क्योंकि कोविड से जंग जीतेंगे हम जब 100% टीकाकरण करेंगे हम। तो 100% टीकाकरण करना बहुत आवश्यक है। 75 करोड़ किए हैं, लेकिन पूरी आबादी को टीकाकरण करने के लिए सभी राज्यों को आगे बढ़ चढ़कर काम करना चाहिए। और आइए, जिसने अभी तक टीका नहीं लगवाया जल्द आकर टीका भी लगवाएं, जिसने पहली डोज लगवा ली वो